dear friends, today in English conversation, we begin with the word power and the word is bolster. B-O-L-S-T-E-R. Bolster होता है उत्साहवर्धन करना. जैसे आपके टीचर्स आपको उत्साहवर्धन करते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश, आप बहुत अच्छा कर सकते हो. या nowadays government is also bolstering up their citizens for the vaccination of COVID. So उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो सरकार भी आजकल उत्साहवर्धन कर रही है कि टीके लगवाओ, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है. सो बॉस्टर का मतलब उत्साहवर्धन करना, किसी का हौसला बढ़ाना. नेक्स्ट है आपका होमोफोन में हम वर्ड देखे हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस. सो अगर प्रैक्टिस में सी है, PRACTICE, प्रैक्टिस है, तो दिस इज नाउ. और PRECTICE, if s is there, then this is verb. This is very minute difference, but we have to be very careful for this. For example, nowadays I am practicing yoga. So yahan pe aap s lagaye kyunki aap verb ka kaam kar rahe hain. So aap karte hain practice makes a man perfect. Yahan pe jo practice hai wahan pe aap c lagaiye kyunki wahan pe wo ek noun ka kaam kar rahe hain. So you have to take care, if c is there, then it will be noun, and if s is there in the spelling, then it is verb. नाउ नेक्स्ट होमोनिम में लॉक. लॉक लेके आए हैं. लॉक का मतलब ताला, ये आप लोग जानते हैं. लेकिन लॉक का मतलब लट भी होता है, जैसे माथे से ऐसे लट निकल जाती है, उसको भी हम लॉक कहते हैं. नेक्स्ट प्रोनंसिएशन में सेपरेट हम लोग सेपरेट, हमें प्रॉ नहीं बोलना, हमें पॉ बोलना है. सेपरेट, SEPARATA, and that is why this word is mostly written wrong by the student, because we pronounce it wrong. So this is separate. Next is we people used to say kernel, but it's not kernel, it's clonal, and C-O-L-O-N-E-L, clonal is rank in army. Or no, kernel bolte hain, but the correct pronunciation is clonal. Next, word formation mein close वर्ब होता है. ये आप लोग वाकई फ्रेंड्स वर्सेस से क्लोज द विंडो या आई एम क्लोजिंग दिस शॉप नाउ, क्लोज तो बंद करना होता है, लेकिन आपके लिए जो नया वर्ड है वो है क्लोजर. क्लोजर मीन्स नाउन, सी एल ओ एस यू आर ई, क्लोजर नाउन है क्लोज का, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल द क्लोजर ऑफ शॉप्स नाउडेज इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द पीपल. दुकानें जो बंद है उसकी वजह से लोगों को समस्या होगी, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं. नाउ फ्रेजेस की जैकपॉट में स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल का मतलब होता है गति रोधक. ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल. फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 या कोरोना वायरस हैज ब्रॉट स्टैंड स्टिल इन अवर लाइफ्स. कोरोना वायरस हमारी जिंदगी में गतिरोध लेके आ चुका, हमारे जीवन की जो गतिविधियां हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, हम लोग रुक से गए हैं, जिंदगी रुक सी गई है, तो हम स्टैंड स्टिल फ्रेज यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका कलर्स के कमाल में व्हाइट कॉलर. व्हाइट कॉलर हम उन लोगों के लिए कहते हैं जो सर्विस पीपल होते हैं, जो बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, किसी भी सेक्टर में जो जॉब करते हैं, जो सर्विस करते हैं, उन लोगों को हम व्हाइट कॉलर पीपल कहते हैं या व्हाइट कॉलर को कहा जाता है. नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपने वर्ड सुना है क्राउड, मॉब, और रक आपके लिए नया है. आर यू सी के रक, ये आपके लिए नया वर्ड है. नाउ डिफरेंस क्या है तीनों वर्ड्स के बीच में. दीज थ्री वर्ड्स आर यूज फॉर द गैदरिंग ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर हम तीनों वर्ड्स को यूज करते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है. क्राउड का मतलब होता है भीड़, ऐसी भीड़ जहाँ पे अलग अलग लोग हैं और उनका अलग अलग पर्पस है, तो हम अपने क्राउड यूज करते हैं. जैसे कि मेले में क्राउड होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बेचता है सामान, कोई सामान खरीद रहा है, कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, कोई देख रहा है, तो जहाँ पे लोग गैदर हो रखे हैं उनका पर्पस भी अलग है, तो आप क्राउड वर्ड यूज करते हैं. नाउ मॉब, एम ओ बी मॉब, मॉब आप उस भीड़ के लिए कहते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं किसी चीज को तोड़ने के लिए. बहुत सारे लोग इकट्ठा है वो गाड़ी चला रहे हैं, तो उस केस में आप उसको मॉब कहेंगे. काफी सारे लोग इकट्ठा है वो किसी बिल्डिंग में पत्थर डाल के उसको तोड़ रहे हैं, तो भी आप उस भीड़ को मॉब कहेंगे. सो कलेक्शन ऑफ पीपल फॉर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, डैमेजिंग समथिंग, देन दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड मॉब. ना रक क्या होता है, आर यू सी के रक. रक होता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं. जैसे मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट में बहुत सारे इकट्ठा जब जा रहे होंगे, तो हम आप उस ग्रुप के लिए रक यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंदिर है, मंदिर में थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे हद से ज्यादा लोग पैक्ड हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उस केस में वो जो ग्रुप होगा उसको हम रक कहेंगे. तो काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा कम जगह होती है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ठूस के वो लोग वहाँ पर भरे होते हैं, तो उस सेंस में
को लग गई. सो आई होप आज के वीडियो में आपको नया बात सुनने को मिला होगा एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेशन एज वेल. थैंक यू.